हाय फ्रेंड्स वेलकम टू माय चैनल अंजू क्रिएशन आज मैं आप सबके लिए ये बहुत ही सुंदर और स्टाइलिश बेबी फ्रॉक लेके आई हूं ये फ्रॉक हल्की ठंडियों के लिए है और इसे देखिए मैं एक से दो साल तक की बच्ची के लिए बना रही हूं इसमें देखिए मैंने दो कलर की ऊन यूज की है यहां पर देखिए मैंने ये डिजाइन डाला है तो देखिए फ्रेंड्स इसे बनाना बहुत ही ज्यादा ईजी है तो चलिए फ्रेंड्स इसे बनाना स्टार्ट करते हैं तो ये देखिए फ्रेंड्स इसे मैंने 92 फंदों से स्टार्ट करते हुए ये डिज़ाइन कंप्लीट की है इस डिज़ाइन को मैंने अपने चैनल पर दिखाया हुआ है तो उस वीडियो का लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी आप उस वीडियो से जाके चेक कर सकते हैं कि इसे कैसे बनाना है वैसे आपको एक चीज़ हिंट दे दूँ कि ये जो यहाँ से यहाँ तक का डिज़ाइन है ये 18 फंदों में बनता है तो जब भी आप फंदे लें वो एटीन के मल्टीपल में लें और उसमें टू ऐड कर लें टू हमारे स्टिच रहेंगे तो देखिए इसमें मैंने वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सिक्स बार डिज़ाइन डाली है अब इसके बाद देखिए हमें यहाँ पे फंदे घटाने हैं तो अभी यहाँ नाइन्टी टू फंदा है अब इसे देखिए एक फंदा स्लिप किया उसके बाद हम ये देखिए दो का एक करेंगे तो ये इस तरह से दो फंदों को हम एक साथ सीधा बुन लें फिर उसके बाद देखिए ये एक फंदा सीधा बुनेंगे फिर ये दो का एक करेंगे फिर एक फंदा सीधा फिर दो फंदों को देखिए एक साथ बुनना है तो इस सलाई में देखिए हमें एक फंदा सीधा बुनना है और फिर ये दो का एक करना है तो इसी तरह से करते हुए देखिए हम ये सिलाई जो है ये पूरा कंप्लीट कर लें ये सिलाई कंप्लीट हो गई है अब ये रॉन्ग साइड है इधर से भी देखिए हमें इसे सीधा सीधा बुनना है पहला फंदा स्लिप करेंगे उसके बाद देखिए ऊन को पीछे करके सारे फंदे हम सीधे बुन लें जो फंदा हमने यहाँ पे घटाया था उसे भी हम सीधा ही बुनेंगे तो देखिए अभी मेरे टोटल सिक्सटी फोर फंदे हैं और इसे देखिए हमें तीन भागों में डिवाइड करना है मैं इस साइड ट्वेंटी रखूंगी इस साइड ट्वेंटी और बीच में ट्वेंटी फोर रखूँगी तो आप इसमें चाहे तो यहाँ पे नाइनटीन या फिर ट्वेंटी वन फंदे भी रख सकते हैं दोनों साइड और बाकी फंदे बीच में रख सकते हैं तो आपके जितने भी फंदे हो आप इस तरह से डिवाइड कर लें तो इसमें देखिए पहले नाइनटीन फंदे जो है वो यहाँ पे हम सीधे सीधे बुनेंगे तो पहला फंदा स्लिप करेंगे इसे भी देखिए हम काउंट करेंगे वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व थर्टीन फोर्टीन फिफ्टीन सिक्सटीन 17, एटीन नाइनटीन ये नाइनटीन फंदे बुनने के बाद देखिए यहाँ पे हमें एक फंदा उल्टा बुनना है तो उनको अपनी तरफ करके ये एक फंदा हम उल्टा बुन लेंगे उसके बाद ऊन को पीछे करके ट्वेंटी फोर फंदे हमें यहां पे सीधे बुनने हैं ये ट्वेंटी फोर फंदे बुनने के बाद देखिए हमें फिर से ऊन को अपनी तरफ करना है और ये एक फंदा उल्टा बुनना है और उसके बाद देखिए ऊन को पीछे करके 19 फंदे इधर भी हम सीधा बुनेंगे ये नाइनटीन फंदे बुन लिए हैं अब देखिए रॉन्ग साइड में आ गए हम अब इधर से क्या करना है इधर भी हमें नाइनटीन फंदे सीधे बुनने हैं तो ये पहला फंदा स्लिप करके नाइनटीन फंदे सीधे बुनने ये नाइनटीन फंदे बुनने के बाद देखिए यहाँ पे हमें एक फंदा सीधा बुनना है तो इधर से देखिए यही वाला फंदा हमने उल्टा बुना था तो वो हम रॉन्ग साइड में उसे सीधा बुनेंगे तो देखिए ये हमें इसमें से सीधा ना बुन करके ये नीचे ये जो एक होल दिख रहा है इसमें से हम इसे सीधा बुनेंगे ये इस तरह से फिर 24 फंदे सीधे बुन लें ट्वेंटी फोर फंदे बुन लेने के बाद देखिए ये वाला फंदा हमें यहाँ पे सीधा दिख रहा है तो यहाँ पे भी देखिए इसे हमें ऐसे नहीं बुनना है हमें इसके नीचे से इस तरह से इसे सीधा बुनना है और फिर जो लास्ट में नाइनटीन फंदे हैं इन सभी फंदे को हम सीधा सीधा बुन लें ये सिलाई कंप्लीट हो गई है अब इस तरफ से देखिए हमें फिर से वैसे ही बनाना है पहले हम 19 फंदे बुनेंगे ये नाइनटीन फंदे बुनने के बाद देखिए हम फिर से ये जो उल्टा फंदा है इसे उल्टा ही बुनेंगे तो ये फंदा हम उल्टा बुन लें फिर उनको पीछे करके देखिए हम इधर ट्वेंटी फोर फंदे सीधे बुनेंगे फिर यहाँ पे देखिए एक फंदा हमें उल्टा बुनना है फिर बाकी सारे फंदे हमें सीधे बुनने हैं तो ये सिलाई हम इसी तरह से कंप्लीट कर लें ये सिलाई कंप्लीट हो गई है अब ये रॉन्ग साइड में हम आ गए अब यहाँ पे देखिए सेम वैसे ही करना है जैसे हमने दूसरी सिलाई में किया था यानी पहले किया था इसके तो देखिए नाइनटीन फंदे हम यहाँ पे सीधे बुनेंगे 19 फंदे बुनने के बाद देखिए ये हमारा यहाँ पे ये सीधा फंदा दिख रहा है तो इसे हम इसमें से ना बुन करके ये इसके नीचे से बुनेंगे ये इस तरह से फिर देखिए 24 फंदे सीधे बुनेंगे फिर यहाँ पे देखिए ये चोटी जैसा दिख रहा है तो इसे भी देखिए हमें यहाँ नीचे से सीधा बुनना है और फिर लास्ट में 19 फंदे सीधे बुन लें तो ये सिलाई भी अब कंप्लीट कर ले सिलाई भी कंप्लीट हो गई है अब इसे देखिए फिर से हमें वैसे ही बुनना है नाइनटीन फंदे सीधे फिर एक फंदा उल्टा फिर ट्वेंटी फोर फंदे सीधे फिर एक फंदा उल्टा फिर नाइनटीन फंदे सीधे तो राइट साइड में देखिए हमें सिर्फ यहाँ पे एक इधर और एक इधर जो फंदा है उसे उल्टा बुनना है बाकी सब फंदे सीधे बुनने हैं और जब हम रॉन्ग साइड में आएंगे तो सारे फंदे हमें सीधे बुनने हैं बस जो ये दो फंदा हमने इधर उल्टा बुना था उसको हमें नीचे से बुनते हुए सीधा बुनना है तो इसी तरह से बनाते हुए देखिए इसे आप थोड़ा सा बना लें ये देखिए इसे मैंने यहाँ तक बना लिया है इसे मैंने यहाँ साढ़े चार इंच तक इसे देखिए बुना है मैंने ये हमारा राइट साइड है और इस तरह से देखिए जो हमने उल्टा बुना था वो अंदर की तरफ है जिससे ये काफी अच्छा लग रहा है दिखने में अब इसके बैक साइड में देखिए, ये इस तरह से चोटी बनी है अब हमें देखिए तो इसे पहले ये सिलाई बुन ये सिलाई देखिए बुन लिया है अब देखिए रॉन्ग साइड पे आ गए हम अब यहां पे देखिए पहले हमें ये नाइनटीन फंदे सीधे बुनने हैं देखिए नाइनटीन फंदे सीधे बुनने के बाद ये जो हमारा सीधा फंदा है इसे तो हम नीचे से ही बुनेंगे उसके बाद देखिए इधर के जो ये फंदे हैं इसे हमें उल्टा बुनना है ये जो बीच वाले फंदे हैं अब तक हम इसे सीधा बुनते आ रहे थे अब हम यहाँ पे इसे उल्टा बुनेंगे ये बीच के ट्वेंटी फोर फंदे हमने उल्टे बुन लिए फिर देखिए ऊन को पीछे करेंगे अब ये वाला फंदा देखिए हमें नीचे से सीधा बुनना है तो इसे सीधा बुन लें और फिर हम इधर के जितने भी फंदे हैं उसे सीधा ही बुनेंगे ये सिलाई देखिए कंप्लीट हो गई है अब देखिए फिर से राइट साइड में आ गए हम राइट साइड में हमें सारे फंदे सीधे बुनने हैं बस ये दो फंदा हमें उल्टा बुनना है और रॉन्ग साइड में देखिए जब हम आएंगे तो इधर के यहां से यहां तक वाले फंदे हमें सीधे बुनने हैं फिर ये एक फंदा हमें नीचे से सीधा बुनना है और ये वाले जो फंदे हैं बीच के इसे हमें उल्टा बुनना है और फिर इधर हम सीधा बुनेंगे तो इसी तरह से बनाते हुए देखिए हमें इसमें टोटल सिक्सटीन सलाइयां बुननी है तो ये दो सलाइया तो हमने बुन ली इसके अलावा देखिए फोर्टीन सलाइया अब हम और बुन लें तो ये मैं आपको बुनकर तब दिखाती हूं ये देखिए इसे मैंने यहां तक बना लिया है इसमें देखिए टोटल एट लाइन्स दिख रही है वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट अब इसके बाद देखिए हमें यहाँ पे इसमें आर्म होल की कटिंग करनी है तो देखिए ये हमारा फ्रंट पार्ट है और सेम इतना ही बड़ा देखिए हमें बैक पार्ट भी बनाना है तो ये देखिए ये बैक पार्ट है इसमें देखिए ये बीच में जैसे हम बना रहे थे इस टाइप का ये हम यहां पे नहीं बनाएंगे बाकी सब कुछ जैसे हमने इसमें बनाया है वैसे ही हम इसे भी बनाएंगे देखिए इन दोनों को बराबर लेंथ तक हमें बना लेना है तो इसकी जो लेंथ है वो देख लीजिए वो यहां तक देखिए नौ इंच है अब देखिए दोनों में हम आर्म होल की कटिंग करेंगे इस पार्ट में भी इस पार्ट में भी तो मैं आपको एक में दिखा दे रही हूँ दूसरे में आप खुद से वैसे ही कर लें तो देखिए क्या करना है यहाँ पे पहला फंदा हम स्लिप करेंगे उसके बाद देखिए ऊन को पीछे करके दो फंदे सीधे फिर एक फंदा उल्टा फिर उनको पीछे करेंगे देखिए तीन सीधे फंदे के बाद हमें एक उल्टा फंदा बुनना है और उसके बाद देखिए हम ये दो फंदे एक साथ बुनेंगे फिर यहीं से देखिए सलाई पलट लेना है अब सिर्फ देखिए हमें सिर्फ पांच फंदों को ही बुनना है इधर वाले फंदे अभी हम नहीं बुनेंगे तो देखिए ये वाला फंदा हम स्लिप करेंगे अब ये देखिए इधर जो हमने उल्टा बुना था वो यहाँ पे देखिए सीधा दिख रहा है तो इसे हमें देखिए यहां जैसे हम यहां पे बना रहे थे ये चोटी जैसा वैसे ही हमें यहां बनाना है इसे हम ऐसे ना बुन करके नीचे वाले में से बुनेंगे तो ऊन को पीछे कर ले और इसे देखिए नीचे से सीधा बुन लें फिर ये तीन फंदे भी सीधे बुनेंगे ये दो सलाई यहाँ पे हो गई अब ये देखिए तीसरी सिलाई है तो इसमें देखिए पहला फंदा स्लिप करेंगे ऊन को पीछे करके दो फंदे सीधे फिर देखिए ऊन को अपनी तरफ करके ये एक फंदा उल्टा फिर पीछे करके एक फंदा ये और एक फंदा ये इन दोनों को हम एक साथ बुन लेंगे फिर सलाई पलट लें यह चौथी सलाई है इसमें देखिए पहला फंदा स्लिप करेंगे ऊन को पीछे करके ये वाला फंदा हम नीचे से सीधा बुनेंगे फिर तीन फंदे सीधे ये पांचवी सलाई है तो देखिए इसमें भी वही करना है पहला फंदा स्लिप किया उनको पीछे करके दो फंदे सीधे बुने फिर एक फंदा उल्टा फिर उनको पीछे करेंगे और इन दोनों को एक साथ सीधा बुन लेंगे ये छठी सलाई है अब इसमें देखिए पहला फंदा स्लिप करेंगे ऊन को पीछे करके इस वाले फंदे को हम नीचे से बुनेंगे फिर ये तीन फंदे सीधे अब ये सातवीं सिलाई है तो इसमें भी देखिए वही करना है पहला फंदा स्लिप करना है फिर ऊन को पीछे करेंगे दो फंदे सीधे बुनेंगे ये एक फंदा उल्टा फिर देखिए ऊन को पीछे करके अब ये जो दो फंदे हैं इन दोनों को हमें देखिए एक साथ सीधा बुनना है फिर उसके बाद देखिए जितने भी फंदे हैं उन सबको हम यहां तक सीधा सीधा बुन लें बस ये बीच में जो दो फंदे हैं इसे हमें उल्टा बुनना है ये सलाई कंप्लीट हो गई अब देखिए इस साइड की आर्मोल कटिंग हम इस साइड यहां रॉन्ग साइड से करेंगे तो इसमें देखिए पहला फंदा स्लिप करेंगे फिर दो फंदे सीधे बुनेंगे फिर देखिए यहाँ पे हम जैसे जब हम इधर बना रहे थे तो यहाँ पे हम एक फंदा उल्टा बुन रहे थे वो क्योंकि हमारा राइट साइड था ये हमारा रॉन्ग साइड है तो ये चोटी जैसा बनाने के लिए देखिए हमें यहाँ पे ये यह चोटी ही बनानी पड़ेगी तो ये एक फंदा हम यहाँ पे सीधा ही बुनेंगे फिर देखिए ये दो फंदों को हम एक साथ बुन लें फिर यहीं से देखिए पलट लें पहला फंदा स्लिप करेंगे उसके बाद देखिए दूसरा फंदा उल्टा बुनेंगे फिर उनको पीछे करके तीन फंदे सीधे बुनेंगे तो देखिए जो फंदा हमने यहाँ पे सीधा बुना था वो हमने इस सिलाई में उल्टा बुन दिया तो ये दो सिलाई कंप्लीट हो गई अब ये तीसरी सिलाई है इसमें देखिए पहला फंदा स्लिप करेंगे फिर दो फंदे सीधे फिर ये फंदा देखिए हमें नीचे से लेते हुए सीधा बुनना है और फिर लास्ट वाला देखिए ये फंदा और ये वाला इन दोनों को एक साथ सीधा बुनेंगे फिर सिलाई पलट लें पहला फंदा स्लिप करेंगे फिर ये वाला फंदा उल्टा बुनेंगे फिर तीन फंदे सीधे बुनेंगे ये पांचवी सिलाई है तो इसमें भी देखिए पहला फंदा स्लिप करेंगे ऊन को पीछे करके दो फंदे सीधे फिर ये एक फंदा देखिए हमें नीचे से बुनना है और ये वाला जो फंदा है इन दोनों को देखिए हमें एक साथ बुन लेना है फिर पलट लें पहला फंदा स्लिप करेंगे उनको पी... और ये वाला दूसरा फंदा जो है उसे उल्टा फिर उनको पीछे करके ये तीन फंदे सीधे ये छठी सिलाई थी अब ये देखिए सातवीं सिलाई है इसमें भी वही करना है पहला फंदा स्लिप करके दो फंदे सीधे फिर एक फंदा इसमें नीचे से फिर ये वाला फंदा जो है ये और ये इन दोनों को एक साथ सीधा बुनेंगे अब इधर से देखिए हम पलटेंगे नहीं ये और जितने भी फंदे हैं इन सबको देखिए हमें यहाँ पे सीधा यहाँ पे उल्टा यहाँ पे सीधा करते हुए बुनना है तो ये सलाई भी देखिए हम कंप्लीट कर लें ये सलाई कंप्लीट हो गई है अब इस तरफ से देखिए ये पहला फंदा हम स्लिप करेंगे उसके बाद ये दो फंदे सीधे फिर ये देखिए ये वाला फंदा उल्टा इन दोनों को देखिए एक साथ सीधा बुनना है उसके बाद देखिए देखिए पूरा हमें यहां तक सीधा बुनना है बस ये बीच में देखिए एक फंदा हम यहाँ पे उल्टा बुनेंगे और यहां पे देखिए अभी घटाना नहीं है हम रॉन्ग साइड से दो का एक करेंगे तो ये सिलाई कंप्लीट कर लें ये सलाई कंप्लीट हो गई है अब इस तरफ से देखिए पहला फंदा स्लिप करेंगे फिर ये दो फंदे सीधे ये वाला फंदा देखिए हमें नीचे से सीधा बुनना है अब देखिए यहां पे हम दो का एक करेंगे फिर देखिए इधर के फंदे जो हैं हमें सीधे बुनने हैं अब ये वाला जो फंदा है इसे देखिए नीचे से बुनना है और ये जो बीच वाले फंदे हैं इसे हमें उल्टा बुनना है तो ये सिलाई भी देखिए हम इस तरह से कंप्लीट कर ले जब हम यहां पे आएंगे तो यहां पे देखिए हमें ये वाले फंदे को सिर्फ नीचे से बुनना है और ये वाले फंदे को नहीं बाकी फंदे इधर के जो है इसे हम सीधा बुनेंगे ये सिलाई कंप्लीट हो गई है अब इस तरफ से देखिए फिर से हमें वही करना है जैसे हमने यहाँ पे किया है पहला फंदा स्लिप करेंगे फिर दो फंदे सीधे फिर एक फंदा उल्टा फिर देखिए दो का एक करना है और फिर देखिए जितने भी फंदे हैं उसे हम सीधा बुनने बस ये जो दो फंदे हैं यहाँ पे इसे हमें उल्टा बुनना है और यहाँ पे देखिए एक फंदा उल्टा बुनना है नहीं तो जितने भी फंदे हैं सब सीधा बुनेंगे ये सिलाई भी देखिए कंप्लीट हो गई है फिर से रॉन्ग साइड पे आ गए यहाँ पे देखिए पहला फंदा स्लिप करेंगे दो फंदे सीधे फिर एक फंदा देखिए नीचे से सीधा बुनना है फिर हमें देखिए दो का एक करना है अब इधर देखिए ये जो बीच वाले फंदे थे जिन्हें हम उल्टा बुनते थे उसे अब हम सीधा बुनेंगे जैसे हमने यहां पे नीचे बुना है वैसे ही अब हम इन फंदों को भी सीधा ही बुनेंगे अब हमें उल्टा ऊपर नहीं बुनना है तो ये सिलाई देखिए हमें पूरा सीधा बुनकर कंप्लीट कर लेना है ये सिलाई कंप्लीट हो गई है अब यहां पे देखिए हमें सीधे सीधी चार सिलाइया बुननी है तो दोनों साइड से हमें सीधा ही बुनना है और इधर पे देखिए एक फंदा हमें यहां घटाना है और एक बार इस साइड से फंदा घटाना है जैसे हम इधर आर्महोल की कटिंग कर रहे थे वैसे ही तो ये चार सिलाईया आप बुन लें तो ये चार है मैं आपको बुनकर फिर दिखाती हूं ये देखिए ये मैंने यहाँ पे चार सलाइया बुन ली है और यहां पे देखिए तीन लाइंस दिख रही होगी वन टू थ्री क्योंकि टोटल सिक्स सलाइया हमने यहाँ पे बुनी है इस तरह से तो अब देखिए हमें यहाँ पे नेक की कटिंग करनी है तो पहले यहां तक हम जैसे बुनते आ रहे हैं वैसे बुनेंगे अब से देखिए जो हम इस साइड फंदा घटा रहे थे वो अब हम यहां पे नहीं घटाएंगे तो ये तीन फंदे हम देखिए सीधे बुनेंगे वन टू थ्री अब ये वाला फंदा उल्टा है तो इसे उल्टा बुनेंगे अब यहां पे देखिए हम दो का एक करते आ रहे थे अब तक अब इसे नहीं करना है अब इसे हम अलग अलग बुनेंगे फिर ये उल्टा फंदा है इसे उल्टा बुनेंगे उसके बाद देखिए तीन फंदे हम इस साइड से सीधे बुनेंगे अब देखिए तीन फंदे हम इधर रखेंगे तीन फंदे इस साइड रखेंगे और बीच में जितने भी फंदे हैं उन सबको हम बंद कर लें चौथा फंदा फाइफ अब इसे देखिए हम इसके ऊपर इस तरह से पलट दें इसे सीधा बुना पीछे वाले को आगे की तरफ इस तरह से पलट देना है ये ऐसे देखिए फंदे यहाँ पे बंद हो रहे हैं तो इसी तरह से देखिए बीच के हम सभी फंदे बंद कर लें ये बीच के फंदे देखिए बंद कर लिए हैं अब इधर भी देखिए तीन फंदे और इधर भी तीन फंदे हैं वन टू थ्री तो इन दोनों को भी देखिए सीधा बुन लें ये ऐसे उसके बाद देखिए उनको अपनी तरफ करके ये वाला फंदा उल्टा बुनना है अब इधर से देखिए हम ये दो का एक करेंगे उनको पीछे करके ये दो फंदों को एक साथ बुन लें अब इधर से भी देखिए हमें गोलाई लाना है इसीलिए हम ऐसा कर रहे हैं अब इस साइड देखिए हम फंदा नहीं घटाएंगे फंदा उल्टा अब देखिए सलाई पलट के अब हमें देखिए सिर्फ इतना ही बुनना है पहले हम एक साइड का शोल्डर तक बना लेंगे तब हम दूसरे साइड बनाएंगे अब ये देखिए नीचे से इसे बुनेंगे अब इधर देखिए हम दो का एक नहीं करेंगे अब यहां से देखिए ऊपर तक हम इस साइड और इस साइड दोनों तरफ हम सीधा सीधा बुनते जाएंगे तीन फंदे सीधे बुनने के बाद देखिए फिर से ये एक फंदा उल्टा अब फिर देखिए यहाँ पे हम दो का एक करेंगे ये पहला फंदा स्लिप किया ऊन को पीछे करके दो फंदे सीधे फिर ये एक फंदा उल्टा फिर देखिए ऊन को पीछे करके ये हम दो का एक करेंगे फिर देखिए उल्टा और ये तीन फंदे सीधे इधर के तो हम सारे फंदे सीधे ही बुनेंगे बस ये दो फंदे नीचे से जैसे बुनते हैं वैसे बुनते बुनेंगे अब देखिए इधर हमने तीन फंदे घटा लिए हैं अब हम यहां पे कोई भी फंदा और नहीं घटाएंगे बस अभी से हमें सीधा सीधा बुनते जाना है तो पहला फंदा स्लिप करेंगे उसके बाद देखिए दो फंदे सीधे उनको अपनी तरफ करके एक फंदा उल्टा फिर ये बीच में देखिए फोर फंदे हैं तो बीच वाले फोर फंदे भी सीधे बुनेंगे और ये वाला फंदा उल्टा फिर ये तीन फंदे सीधे इधर देखिए हमारे ट्वेल्व फंदे ही हैं फोर इधर फोर इधर और बीच के देखिए ये फोर फंदे अब देखिए दोनों साइड से हम जैसे बुनते आ रहे थे वैसे ही हमें बुनना है इस तरफ से भी देख लीजिए पहला फंदा स्लिप करेंगे दो फंदे सीधे फिर एक फंदा देखिए नीचे से देते हुए सीधा बनाना है फिर चार फंदे सीधे फिर राइट साइड में देखिए इसी तरह से बुनना है हमें सिर्फ ये दो फंदे उल्टे बुनने हैं तो इसी तरह से बनाते हुए देखिए इसे हम थोड़ी लेंथ तक बना लें तो ये आपको मैं बनाकर फिर दिखाती हूँ इसे देखिए मैंने यहां तक बना लिया है इसे मैंने टोटल ट्वेंटी फोर सिलाइयों तक बुना है और इसमें देखिए ट्वेल्व लाइन्स भी दिख रही हैं तो देखिए यहां से हम इसे काउंट करेंगे ये यहाँ वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन और ये ट्वेल्व ये ट्वेल्व लाइन्स हो गई अब इन फंदों को देखिए हमें बंद नहीं करना है इसे देखिए हम किसी थ्रेड पे उतार लें अब ये जो ऊन है इसे हम कट कर लें अब देखिए इधर ऊन लगा के इसे हमें ऐसे ही बनाना है जैसे हमने यहाँ पे बनाया है तो देखिए इधर भी एक बार मैं आपको बता देती हूँ जैसे हमने देखिए ये गले के साइड हम तीन बार फंदे इधर घटाए थे तो इधर भी देखिए हमें तीन बार फंदे घटाने हैं और इधर एक भी फंदा नहीं घटाना है तो ये ऊन लगा ले इस तरह से यहां से तो ये पहले तो हम जो ये तीन फंदे हैं इसे सीधा बुनेंगे फिर ये वाला फंदा देखिए नीचे से बुनना है उसके बाद देखिए जो फंदा हमें इधर घटाना है गले के साइड वो हम रॉन्ग साइड से घटाएंगे तो ये दो का एक करेंगे हम फिर जितने भी फंदे हैं उसे सीधा बुन लें और ये वाला फंदा देखिए नीचे से अब इधर से देखिए ये पहला फंदा हम स्लिप करेंगे उसके बाद दो फंदे सीधे फिर ये एक फंदा उल्टा अब देखिए जितने भी फंदे हैं इसे सीधा बुन लें और ये वाला फंदा उल्टा फिर ये तीन फंदे सीधे अब इस साइड देखिए यहाँ पे हमें ये दो का एक करना है और बाकी फंदे जैसे हैं वैसे बुनने हैं तो देखिए एक बार हमने यहाँ पे फंदा घटा लिया उसके बाद देखिए अभी दो बार फंदे हमें यहाँ पे और घटाने हैं जब ये दो फंदे यहाँ पे घट जाएं तो उसके बाद देखिए इसे हमें सीधा सीधा बुनना है जैसे हमने यहाँ पर बुना है तो ऐसे ही यहाँ पर बारह लाइन्स तक हम इसे बुन लें तो मैं आपको बुन फिर दिखाती हूँ ये देखिए ये मैंने दोनों साइड बना लिया है अब देखिए हमें पीछे भी इत ऐसे ही बनाना है जैसे हमने यहाँ पे कटिंग की है वैसे ही हम पीछे भी कटिंग कर लें तो देखिए पीछे वाला पार्ट भी मैंने यहाँ तक बनाया है अभी इसको देखिए और बनाना है ये देखिए ये आगे वाला पार्ट अभी थोड़ा लंबा है तो अभी पीछे भी नेक की कटिंग करनी है तो देखिए यहाँ से वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व और ये थर्टीन जहां से हमने ये आर्म होल की कटिंग की थी वहां से हमें इसे थर्टीन लाइंस बुनने के बाद अब देखिए हमें यहाँ पे गला बंद करना है तो देखिए हमने फ्रंट साइड में शोल्डर पे ट्वेल्व फंदे रखे हैं तो इधर ट्वेल्व फंदे रखकर इधर ट्वेल्व फंदे रखकर बीच में जितने भी फंदे हैं उन सभी फंदों को देखिए हमें बंद कर लेना है ये पहला फंदा स्लिप करेंगे उसके बाद देखिए दो फंदे सीधे फिर एक फंदा उल्टा फिर देखिए ये फोर फंदे हो गए फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन और ये ट्वेल्व ये ट्वेल्व फंदे के हो गए अब इधर देखिए एक और फंदा बुनेंगे थर्टीन और ये फोर्टीन फिर हम ये पीछे वाले एक फंदे को आगे की तरफ पलट दें फिर एक फंदा बुनेंगे फिर पीछे वाले को आगे की तरफ पलट दे ये मैंने बीच के फंदे बंद कर लिए हैं अब इधर भी देखिए हमारे ट्वेल्व फंदे हैं फोर ये देखिए ट्वेल्व इलेवन फंदे इस साइड और वन फंदा इस साइड अब इसे देखिए कैसे बनाना है ये तीन फंदे तो हम यहाँ पे सीधे बुनेंगे फिर एक फंदा देखिए उल्टा फिर बीच में चार फंदे सीधे फिर एक फंदा उल्टा और फिर तीन फंदे लास्ट के सीधे अब रॉन्ग साइड में देखिए ये तीन फंदे सीधे बुनेंगे और ये वाला फंदा देखिए इसे हमें नीचे से बुनना है फिर बीच में चार फंदे सीधे अब देखिए चार फंदे सीधे बुनने के बाद ये वाला फंदा जो है ये हमें नीचे से ऐसे लेके बुनना है और फिर ये तीन फंदे भी सीधे बुन लेंगे तो जैसे हमने देखिए फ्रंट पार्ट में बनाया था वैसे ही हमें यहाँ भी बनाते जाना है अब राइट साइड में देखिए सिर्फ ये दो फंदे उल्टा बुनेंगे और रॉन्ग साइड में हम सारे फंदे सीधे बुनेंगे बस ये दो फंदे यहाँ हम नीचे से लेके बुनेंगे तो इसी तरह से बनाते हुए देखिए इसमें हम आठ सलाइयाँ और बुन लें यानी कि चार लाइन्स तभी जाके हमारा फ्रंट पार्ट के बराबर हो जाएगा आप अपने फ्रंट पार्ट से इसे चेक भी कर लें कि कितना बनाना है तो इधर भी बना लें और इस साइड भी बना लें इधर हम इस ऊन को कट कर लें और यहाँ पे अटैच करके इधर भी बना लें हम ये देखिए ये मैंने बैक साइड के भी ये दोनों शोल्डर बना लिए हैं और एक शोल्डर को देखिए मैंने फ्रंट पार्ट में ज्वाइन भी कर लिया है तो अब मैं आपको दूसरा वाला ज्वाइन करके दिखाऊंगी कि कैसे करना है तो देखिए सबसे पहले तो हम इन दोनों को चेक कर लें कि दोनों एक बराबर हुए हैं या नहीं इस तरह से आप देखिए ऐसे चेक कर लें अब देखिए ये बराबर हो गया है तो देखिए उल्टे तरफ से हमें इन दोनों को ज्वाइन करना है ये हमारा रॉन्ग साइड है यहां से देखिए इसे कैसे करना है हमें इसमें से एक फंदा और ये पीछे वाले में से एक फंदा लेकर के दोनों को आपस में देखिए सीधा बुनना है इस तरह से फिर देखिए एक फंदा इसमें से एक फंदा इसमें से इन दोनों को सीधा बुन और फिर इधर जो पीछे फंदा है उसको हम आगे की तरफ ऐसे पलट दें इस तरह से फिर एक फंदा इसमें से और एक फंदा इसमें से लेकर सीधा बुनेंगे और फिर देखिए पीछे वाले फंदे को हम आगे की तरफ पलट दे फिर इसे और इसे इस तरह से देखिए यह हमें यहाँ पे फंदे बंद करने हैं तो ये देखिए ये सारे पंदे मैंने बंद कर लिए हैं और देखिए यहां पे अब हमें सिलाई की जरूरत भी नहीं पड़ी साथ में हमने इसे जॉइन भी कर लिया तो इसे देखिए अब ये सब जो ऊन है एक्स्ट्रा उसे कट कर ले ये देखिए ये मैंने सभी ऊन कट कर लिए हैं अब ये देखिए जो हमने एक्स्ट्रा ऊन यहाँ पे जोड़ा था उसको चाहे तो आप कट कर सकते हैं या फिर आप देखिए इसे इस तरह से इसके अंदर डाल दें इन सब फंदों के इसे फिनिशिंग बहुत अच्छी आती है अब ये देखिए इसमें बिल्कुल पता नहीं चल रहा है अब इसकी देखिए हमें सिलाई करनी है अब ये नेक तो एकदम कंप्लीट हो गया है अब हम इसकी सिलाई करेंगे तो रॉन्ग साइड से ही इसे सिलना है देखिए यहां से इसे लेते हुए पूरा यहाँ तक सिलना है इसे तो देखिए कैसे ये चीज हमें ध्यान देना है कि ये यहां से यहां तक हम वाइट पे व्हाइट ही सिलें नहीं तो ये अच्छा नहीं लगेगा देखने पे तो इसे इस तरह से देखिए इसी तरह से करते हुए देखिए हम ये पूरा लें इस साइड भी और इस साइड भी ये देखिए इसकी सिलाई कंप्लीट हो गई है अब ये देखिए ये हमारा बनकर रेडी हो गया है अब इसमें देखिए यहाँ फ्रंट साइड में इस तरह से मैं ये क्रोशिया का फ्लावर लगा रही हूँ तो आप चाहे तो इसे ऐसे भी रहने दे सकते हैं या फिर आप कोई भी डेकोरेटिव चीज़ से इसे डेकोरेट कर सकते हैं तो मैं इसे इसमें अटैच करूंगी और ये बटन भी इसमें लगाऊंगी ताकि ये और भी ज़्यादा सुंदर लगे तो इसी तरह से आप भी इसे लगा लें कुछ ये देखिए इसे भी मैंने लगा लिया है और ये बिल्कुल रेडी हो गया है ये जो फ्रॉक है वो एक साल से दो साल तक के बच्चियों को आराम से आ जाएगा तो देखिए कितना ये सुंदर और स्टाइलिश लग रहा है ये हल्की ठंडियों के लिए बहुत ही अच्छा रहेगा तो फ्रेंड्स कैसा लगा आपको मेरा ये वीडियो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा और अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें थैंक्स फॉर वॉचिंग